हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ नेहा नाज़िम व्लॉग। वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा नाज़िम व्लॉग। तो आज मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। आप सोच रहे होंगे मैं रेडी किस लिए आई हुई हूँ। ये है मेरा आउटफिट, कॉटन का। मैंने पिंक कलर का चिकन का कुर्ता पहना हुआ है। जा रही हूँ मैं आज अर्श को लेके हॉस्पिटल। अर्श का लगवाना है मुझे टीका। जनरल हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं। उस हॉस्पिटल का नाम है दयानंद। अभी मैं रास्ते में हूँ। और अर्श का लगवाना है मुझे टीका, 1.5 साल का। अर्श का टीका बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था। अर्श को कभी कुछ कभी कुछ, कभी तबीयत ख़राब, कभी कुछ, ऐसे करके वो लेट हो गया था। तो मैं हूँ रास्ते में, मैंने लिया ऑटो। मैं डर भी लग रहा था मुझे, फर्स्ट टाइम मैं अकेले जा रही थी, हस्बैंड की छुट्टी नहीं थी, इसलिए अमायरा को स्कूल छोड़ने के बाद में मैं अर्श को लेके चली गई हॉस्पिटल। अर्श को टीका लगवाना था मुझे आज। मैंने सोचा आज मुझे हर हालत में ज़रूर टीका लगवाना ही है, क्योंकि हर बार लेट हो जाता है, आजकल करके टल जाता है। तो ये पहुँच गई मैं हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का नाम है दयानंद, स्वामी दयानंद जनरल हॉस्पिटल कहते हैं इसे सब लोग। इसी के आगे थोड़ा सा आगे GTV हॉस्पिटल है, उसी के थोड़ा सा आगे मेंटल हॉस्पिटल है। सारे हॉस्पिटल ये पढ़ते हैं। तो मैं चल रही हूँ, मैंने वीडियो को थोड़ा स्पीड में कर दिया है ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो। तो ये मैं पहुँच गई अंदर। अंदर एंट्री कर ली है मैंने। अब अर्श को नींद आ गई थी, अर्श सो गया था मेरे गोद में ही। तो मैं काफ़ी चलना पड़ता है। तो एक तो सीढ़ियाँ थी उसकी, तीसरी मंजिल पे जाना था मुझे, 3rd फ्लोर पे। तो मैं बहुत ज़्यादा थक भी गई थी, क्योंकि मैं सच बताऊँ गाइस, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती हूँ। वैसे आप मेरे से चलवा ले मैं चल लूँगी, बट मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, सीढ़ियाँ चलते थे और 3rd फ्लोर पर मुझे जाना था। 3rd फ्लोर से फिर मैं नीचे 1st फ्लोर, फिर ग्राउंड फ्लोर पर मैं आई थी, फिर मैं दोबारा गई थी। और ये है अर्श का टीका, जहाँ पे बच्चों के टीके लगते हैं। तो ये मैं पहुँच गई 3rd फ्लोर पर, और कार्ड बनना बंद हो गए थे। तो यहाँ पे ये है अर्श, मेरी गोद में सो गया। तो मैं, सब लोग बैठे हुए हैं, लाइन लगी हुई थी। आज भीड़ कम थी, आज सैटरडे है, आज हाफ डे हो जाता है, आज जल्दी बंद कर देते हैं हॉस्पिटल। तो मैंने अपने अर्श के सारे टीके यहीं पे लगवाए हैं। पहले जब अर्श हुआ था, करुणा हॉस्पिटल में हुआ था, तो मैंने स्टार्टिंग में सारे जो इंजेक्शन थे सब वहीं पे लगे थे। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है ये, और नीट एंड क्लीन है, और काफ़ी बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये। तो मैं जा रही हूँ। अब मुझे बताया कि वो जहाँ पे स्लिप बनती है वो स्लिप बंद हो चुकी थी। एंड मैं गई तो मैम ने बोला कि इंजेक्शन नहीं लग पाएगा, क्योंकि आपका वो एक रूल हो गया है कि एक IN नंबर एक कुछ होता है, वो आपको एंट्री करवानी पड़ेगी डिस्पेंसरी में जाके, फिर वहाँ से हम एंट्री कर देंगे, तब आपका इंजेक्शन लगेगा आपके बेबी का। तो मैं अब निकल गई हूँ बाहर हॉस्पिटल के बाहर। वहाँ से मैं रास्ते में चल रही हूँ। अब मैंने लिया, यहाँ से बाहर निकल गई हूँ मैं हॉस्पिटल के, फिर लेके मैंने यहाँ से ऑटो लिया। अर्श मेरे गोद में ही सो गया था, और ये मैं सीधे पहुँच गई डिस्पेंसरी। अर्श की ये है मैम, तो इनसे मैंने कंसल्ट किया, फिर जाके मैंने नंबर लिया, IN का नंबर एंट्री करवाई। वहाँ पर टाइम लगा थोड़ा सा, 10 मिनट लगे। फिर मैं आ गई अपने घर पे, अमायरा का जब तक हो गया था स्कूल का टाइम, तो अमायरा का लेते हुए स्कूल से मैं अपने घर पे आ गई। बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। अर्श सो गया था, फिर सो के उठ गया। और अर्श के, तो आज अमायरा के स्कूल में एक बुकलेट मिली है, एंड ये है अर्श का कार्ड टीका वाला। इसमें नंबर एंट्री हो गई थी, इंजेक्शन लगे था। अब अर्श को जाना है, अब लगेगा 2 ईयर पे। दोनों बच्चों के, अर्श का आज 1.5 साल का टीका लग गया है। जस्ट मैं अभी अभी घर पे आई हूँ। अर्श बहुत रो रहा था, अब आज मुझे बहुत परेशान करने वाला है अर्श। लेग्स में और हैंड में दोनों में लगा हुआ है। तो वहीं से मैं आते हुए अमायरा को भी ले आई स्कूल से। जस्ट अभी अभी घर पे आई हूँ। अमायरा को मिली है स्कूल से बुक, ये कटिंग वाली। तो अमायरा ये देख रही है, अपनी बनाने की है, इसमें काफ़ी चीज़ें एक्टिविटीज़ हैं, इसमें कटिंग्स वगैरह कैसे बनाते हैं, मैजिक भी है, ठीक है। और मोटू पतलू डांस भी कर रही थी लगा। आज की टीका लग गया, इंजेक्शन लग गया। आज इंजेक्शन कहाँ लग गया आपके? उई कहाँ पे हो गई? उई कहाँ पे हुई थी? यहाँ पे हुई थी, उई यहाँ पे हो गई, यहाँ पे हो गई, उई यहाँ पे लग गई है ना, अच्छी लग गया ये लग गया। तो ये चाहिए आपको, ठीक है अभी ले लो। चलिए अपनी इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो
पूरा पूरा ब्लॉग आपके साथ में देखने को मिलेगा कि अर्श को लगवाया है टीका आज, कहाँ गई थी मैं लेकर अर्श को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, विजिट करें आके। कोई भी न्यू आया तो विजिट करें आके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय। अर्श बाय कर दो, आप भी बाय कर दो, हमारे यहाँ बाय कर दो, बाय कर दो। देखो ये डांस कर रही है कैसे। ओके चलिए ठीक है।